नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2011 का सवाल है क्वेश्चन से द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स मेजर्ड इन माइक्रोमीटर ड्यू टू सिचुएटेड ऑन द एक्सेस इज गिवन बाय वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर वोल्ट्स सवाल ये द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू फोर माइक्रोमीटर विल बी गिवन बाय और ये चार ऑप्शन है अगेन इलेक्ट्रोसिटिक का सवाल है मुश्किल नहीं है सवाल लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा और कई बार नीट के मेडिकल के स्टूडेंट इस तरह के डेरिवेशन से घबराते हैं मैं हमेशा अपनी क्लास में इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करवाता हूँ बिकॉज ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं सो so, हमें जो वी दिया हुआ है सो so, वी दिया है ट्वेंटी डिवाइडिड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर यह आपको फंक्शन दे रखा है अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू फोर माइक्रोमीटर क्या होगी है ना right? uh, हमें रिलेशन पता है कि हम इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाय डेल uh, Y J कैप प्लस डेल V बाय डेल uh, Z K कैप ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका पार्शल डिफरेंशिएशन है यहाँ पे हमारा x v जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल है सो so लाइफ अपनी और आसान हो जाएगी सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर पर और इसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू एक्स की रख के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा नाउ इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आएगा दिस विल भी इक्वल टू ये माइनस साइन और डिफ्रेंशिएशन इसका बचेगा ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर और अब अंदर घुस के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट विल भी इक्वल टू टू एक्स ये आपका डिफ्रेंशिएशन इसका आएगा हालांकि right? अब इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई आपकी ई e, वो आ गई uh, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हो गया फोर्टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर और अब बस हमें यहाँ पे x की वैल्यू 4 माइक्रोमीटर में रख देनी है सो so, ये हो जाएगा 4 फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय फोर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस फोर यानी कि 12 का स्क्वायर सो so, ये ऊपर बच गया uh, ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई सो so, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक फ़ोर इससे कैंसिल हो जाएगा एक फ़ोर इससे कैंसिल हो जाएगा सो so ये आ गया टेन बाय नाइन और आपकी वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है सो so हम कह सकते हैं कि आपकी ये पॉजिटिव इसके साथ आई कैप लगेगा आई कैप आई कैप आई कैप सबके साथ सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी टेन बाय नाइन वोल्ट पर माइक्रोमीटर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वुड बी द राइट आंसर